बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बेर का सेट नंबर 2, जो बेर के फ्रेजल वर्ब और ईडियम पर कंसिस्ट है, ये CSS, PMS, NTS और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए फ्रूटफुल है। तो पहला सेंटेंस, पहला फ्रेजल वर्ब देखें, बेर अवे, बेयर अवे या बेयर ऑफ या कैरी ऑफ या बेयर द पाम या विन द पाम, ये जो पांच ईडियम जो है, पांच फ्रेजल वर्ब है, सबका एक मतलब है, इनाम जीतना, टू विन अ प्राइज, टू बी द विनर, जाती कामयाबी से हासिल करना, इनाम वगैरह जीतना। पहला सेंटेंस देखें बेयर अवे का, बेयर ऑफ का, आवर क्रिकेट टीम बोर अवे, हमारी क्रिकेट टीम ने द वर्ल्ड कप इन 1992 का वर्ल्ड कप जीता, हमारी क्रिकेट टीम ने, आवर क्रिकेट टीम बोर अवे द वर्ल्ड कप इन 1992 का वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान की क्यादत में, इमरान खान कैप्टन थे 1992 में, तो 1992 में ये जो है वर्ल्ड कप जीता था बोर अवे, यानी इनाम जीतना, आवर क्रिकेट टीम बोर अवे द वर्ल्ड कप इन 1992। नंबर आगे सेकंड ईडियम देखें, जुमला इसका इसी का, ही बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीता। सेकंड फ्रेजल वर्ब देखें, बेयर आउट, बेयर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना, टू कंफर्म, टू क्रोबोरेट, तौसीक करना, ताइद करना, तस्दीक करना, ही विल बेयर आउट माय स्टोरी, वो मेरी कहानी की तस्दीक करेगा। सेकंड इसका सेंटेंस देखें, Your friend does not bear out your statement. तुम्हारा दोस्त तुम्हारे स्टेटमेंट बयान की तस्दीक नहीं करता। थर्ड नंबर देखें, bear up, tolerate, बर्दाश्त करना, हिम्मत न हारना, हौसले से बर्दाश्त करना, डटे रहना, bear up, to endure या to endure, to keep up one's spirits, यानी हिम्मत न हारना, not to lose heart, दिल ना छोड़ना, हिम्मत ना हारना, डटे रहना, he bore up, उसने हिम्मत ना हारी, in the face of all difficulties of life, जिंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद उसने बर्दाश्त किया, सबर से हिम्मत ना हारी, या he bore up in the greatest troubles of life, या he bore up इन द ग्रेटेस्ट हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, इस तरह भी जुमला बन सकता है। तो इसका सेकंड सेंटेंस देखें, यू शुड बेयर अप, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, इन द ग्रेटेस्ट ट्रबल्स ऑफ लाइफ, यू शुड बेयर अप द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। आगे थर्ड फोर नंबर देखें, बेयर बोर बेयर विद, फोर नंबर फ्रेजल वर्ड देखें, बोर विद, बेयर विद, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, दरगुजर करना, टू टॉलरेट, टू हैव पेशेंस विद समबडी, दरगुजर करना, किसी को सब्र से बर्दाश्त करना या बर्दाश्त करना, इट इज इम्पॉसिबल टू बेयर विद द फूल, किसी बेवकूफ के साथ गुजारा करना, बर्दाश्त करना बहुत नामुमकिन काम है, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, टू बेयर विद द फूल, किसी बेवकूफ के साथ दरगुजर करना, उसको बर्दाश्त करना। सेकेंड सेंटेंस देखें, आई कैन नॉट बियर विद सेल्फिश फ्रेंड्स, मैं खुदगर्ज दोस्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या इसको इसी को इस तरह भी बना सकते हैं, आई कैन नॉट बियर विद दिस डिले, मैं इस ताखीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका एक और भी बन सकता है, आई कैन नॉट बियर विद हिज एंग्री मूड, मैं उसका नाराज मूड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर आगे फाइव है फ्रेजल वर्ब, बेयर अपाउन या ऑन, टू रेफर टू से मुतल्लिक होना, के बारे में होना, बी रेलेवेंट टू, टेल अपाउन, असर डालना, पर्टेनिंग टू यानी असर डालना। इसकी सेंटेंस देखें, हिज स्पीच डज नॉट बेयर अपाउन हिज सब्जेक्ट, उसकी तकरीर उसके मौजू पर असर नहीं डालती, या इसका मतलब यह है, हिज स्पीच डज नॉट बेयर ऑन या अपाउन हिज सब्जेक्ट, उसकी तकरीर उसके सब्जेक्ट
के बारे में नहीं है, के मुतलक नहीं है। इसका दूसरा सेंटेंस देखें, डिसऑनेस्टी ऑफ आवर लीडर्स, हमारे लीडरों की बेईमानी, इज बेरिंग अपॉन टेलिंग अपॉन ऑन अस, हम पर असर अंदाज हो रही है, असर डाल रही है। छठा इडियम देखें, फ्रेजल वर्ब, बेयर डाउन, बेयर डाउन, बेयर डाउन, दबाव डालना, दबाना, मगलूब करना, जेर करना, टू एग्जर्ट प्रेशर, टू क्रश बाय फोर्स, ताकत से दबाना, दबाना, दबाव डालना, जेर करना, मगलूब करना। इसका इडियम देखें, जुमला, ही ट्राइड टू बेयर डाउन द अपोजिशन, उसने अपोजिशन को या एनिमी, उसने अपोजिशन को, हजम इख्तलाफ को दबाने की कोशिश की, बट इन मेन, लेकिन सब फजूल, बेसूद रहा। सेकंड सेंटेंस देखें, ही बोर डाउन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को दबाने की कोशिश की, उस पर दबाव डाला, विद अ हैवी हैंड, विद अ हाई हैंड, विद एन आयरन हैंड, ये भी इडियम है, विद अ हैवी हैंड, विद अ हाई हैंड, विद एन आयरन हैंड, सख्ती से। ही बोर डाउन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को मगलूब करना चाहा, उसको दबाया, विद एन आयरन हैंड, सख्ती से, विद अ हैवी हैंड, सख्ती से, विद अ हाई हैंड, सख्ती से। सेवन नंबर देखें, फ्रेजल वर्ब, बेयर डाउन ऑन या अपॉन, बेयर डाउन ऑन या अपॉन, टू अप्रोच रैपिडली, तेजी से जाना, और पर्पसफुली, यानी कोई मकसद ध्यान में रख के, टू मूव टुवर्ड समबॉडी, किसी की तरफ जाना, समबॉडी, फॉर थ्रेटिंगली, धमकाते हुए, या टू अटैक, हमला करना भी होता है इसका मतलब, तेजी में डराते हुए किसी शख्स या चीज की तरफ बढ़ना, इसका मतलब पछाड़ना, जेर करना, या किसी पर बोझ डालना, ये भी इसका मतलब है। आगे देखें, और एक और मतलब है इसका, किसी जंगी जहाज का किसी दूसरे जंगी जहाज पर हमला करना। आई सॉ एन आर्म्ड मैन, मैंने एक मुसल्ला शख्स को बेयरिंग डाउन ऑन अ शॉपकीपर, मैंने एक मुसल्ला शख्स को एक दुकानदार की तरफ बढ़ते हुए देखा। सेकंड सेंटेंस देखें, द पाकिस्तानी बैटलशिप, पाकिस्तानी जंगी जहाज ने बोर डाउन अपॉन द इंडियन वारशिप, हिंदुस्तानी जंगी जहाज को पिछाड़ दिया, एंड गेव इट अ क्रशिंग डिफीट, और उसको इबरतनाक शिकस्त दी। आगे देखें, फ्रेजल वर्ब नंबर 8 है, बेयर अप विद, बर्दाश्त करना, टू एंड्योर। आई कैन नॉट बेयर अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेयर अप विद, आई कैन नॉट बेयर अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 9 नंबर फ्रेजल वर्ब देखें, बेयर अप अगेंस्ट, मुजामत करना, मुकाबला करना, टू रिजिस्ट, टू एंड्यूर। इसका सेंटेंस देखें, नंबर 1, ही बोर अप अगेंस्ट ऑल हिज हार्डशिप्स, ही बोर अप अगेंस्ट, उसने मुकाबला किया, मुजामत की, ऑल हिज हार्डशिप्स, अपनी तमाम मुश्किलात की, विद अ स्माइलिंग फेस, खंदा पेशानी से, विद अ स्माइलिंग फेस, खंदा पेशानी से, हंसमुख तरीके से, मुस्कुराते हुए। फिर दोबारा देखें, ही बोर अप अगेंस्ट ऑल हिज हार्डशिप्स विद अ स्माइलिंग फेस, उसने मुस्कुराते हुए या खंदा पेशानी से अपनी मुश्किलात की का मुकाबला किया या उनकी मुजामत की। नंबर आगे 10 ने बियर टू, इसका मतलब टॉलरेट, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर टू द पुअर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गरीबों को, डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरता हुआ, किसी शय से मरना, किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, यानी डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। आई कैन नॉट बियर टू द पुअर, मैं गरीबों को डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे 11 नंबर देखें, बेयर फ्रूट, बारावर होना, सूदमंद होना, फायदेमंद होना, कामयाब होना, बेयर फ्रूट, टू सक्सीड, टू हैव द डिजायर्ड
रिजल्ट्स, मतलूब नतायज हासिल करना जो कोई चाहता है, मतलब बाहर और होना, रंग लाना, मतलूब नतायज हासिल करना, कामयाब होना। हिज एफर्ट्स, उसकी काबिशें, कोशिशें टू पास द एग्जामिनेशन, इम्तहान को पास करने की उसकी सारी कोशिशें, बोर फ्रूट एट लास्ट, आखिरकार बराबर साबित हुई, रंग ले आई। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, हिज एफर्ट्स, उसकी काबिशें, कोशिशें, फाइनली आखिरकार बोर फ्रूट, बराबर साबित हुई, एंड परमिशन वाज ग्रांटेड, और इजाजत हासिल कर ली। 12 नंबर देखें, बेयर द ब्रंट ऑफ, खमियाजा भुगतना, बेयर द ब्रंट ऑफ, खमियाजा भुगतना, भारी नुकसान को बर्दाश्त करना। टू एंड्योर या सफर द मेन फोर्स या मेजर लॉस, या टू फेस द मेजर या मेन पार्ट ऑफ एन अटैक, फाइट या लॉस। इसका सेंटेंस देखें, यू विल हैव टू बेयर, तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ योर मिसकंडक्ट, तुम्हें अपने मिसकंडक्ट का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ योर मिसचीफ, तुम्हें अपनी शरारत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ योर अटैक या फाइट या रूड बिहेवियर, यहां पर रूड बिहेवियर भी आ सकता है। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, द गवर्नमेंट हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द टीचर्स एंगर, द गवर्नमेंट हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ, हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा बेयर द ब्रंट ऑफ का सेकंड सेंटेंस देखें, द गवर्नमेंट हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ, हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ा, द टीचर्स एंगर, उस्तादों के एंगर का या प्रोटेस्ट का, ओवर द रिजेक्शन ऑफ देयर डिमांड्स, उनकी जो डिमांड थी उनके रिजेक्ट किए जाने पर हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ा। 13 नंबर देखें, फ्रेजल वर्ब बेयर आर्म्स, टू सर्व एज ए सोल्जर, टू फाइट, टू कैरी वेपन्स, हथियार रखना, असला रखना, लड़ना, लड़ाई करना। इसका जुमला देखें, सेंटेंस, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बेयर आर्म्स, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई कानूनी हक नहीं है टू बेयर आर्म्स, असला रखना, हथियार रखना। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई कानूनी हक नहीं है टू बेयर आर्म्स, असला रखना, लड़ना। नंबर आगे सेकंड है, सेकंड सेंटेंस देखें, बेयर आर्म्स का सेकंड सेंटेंस है, इन सेल्फ डिफेंस, जाती दिफा में, वी मस्ट बेयर आर्म्स, हमें जरूर लड़ना चाहिए, जरूर हथियार रखने चाहिए, इन सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा में, वी मस्ट बेयर आर्म्स, हमें जरूर असला रखना चाहिए। नंबर आगे 14 है, ये फ्रेजल वर्ब 14 आगे, बेयर इन माइंड दैट, idiom है, बेयर इन माइंड दैट, टू रिमेंबर दैट, याद रखो के, याद रखना के, टू कंसीडर दैट, याद रखना या गौर करना, टू रिमेंबर दैट, याद रखना, टू कंसीडर, गौर करना, बेयर इन माइंड दैट, जहन में रखना। इसका पहला सेंटेंस देखें, idiom है ये, बेयर इन माइंड दैट, आवर एनिमीज शुड बेयर इन माइंड दैट, हमारे दुश्मनों को ये जहन में रखना चाहिए, बेयर इन माइंड दैट वी आर एन एटॉमिक पावर, हम एक एटमी कुवत हैं। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट, हमेशा जहन में रखें के, मनी मेक्स द मेयर गो,
दाम बनाए काम, यानी तमाम काम पैसों से चलता है, तमाम जो काम है पैसों से होते हैं चलते हैं। ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट, हमेशा ये ध्यान में रखें कि मनी मेक्स द मेयर गो, ये मनी मेक्स द मेयर गो, ये जरबुल मिशन है, दाम बनाए काम, हमेशा ध्यान में रखो कि दाम काम बनाता है। आगे 15 नंबर देखें idiom, बियर विटनेस टू समथिंग, ये STH का मतलब समथिंग है, बियर विटनेस टू समथिंग, किसी सच्चाई का सबूत देना, फराहम करना, मुहैया करना, टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रूथ ऑफ समथिंग। इसका सेंटेंस देखें, हिज प्रेजेंट सक्सेस, उसकी मौजूदा कामयाबी, हिज प्रेजेंट सक्सेस, उसकी मौजूदा कामयाबी, बेयर्स विटनेस टू हिज पास्ट एफर्ट्स, उसकी माजी की कावशों का सबूत है, उसकी मौजूदा कामयाबी, उसकी टू हिज पास्ट एफर्ट्स, उसकी माजी में की गई कोशिशों या कावशों का सबूत है। सेकंड इसका सेंटेंस देखें, हिज एविडेंस, उसका सबूत, बेयर्स विटनेस, सच्चाई का सबूत है, टू माई इनोसेंसी, मेरी बेगुनाही का, हिज एविडेंस, उसका सबूत, बेयर्स विटनेस टू माई इनोसेंसी, मेरी बेगुनाही का सबूत रखता है। आगे idiom नंबर 16 देखें, बेयर कंपैरिजन विद समथिंग समबॉडी, या स्टैंड कंपैरिजन विद समबॉडी समथिंग, से मुआजना करना, बराबर होना, हम पल्ला होना, टू कंपीट विद, टू बी पार विद, हम पल्ला होना, बराबर होना, मुसावी होना। सेंटेंस देखें इसका, जैन ऑस्टन्स मशहूर नावल निगार रही है, बरतानवी मशहूर नावल निगार है, ब्रिटिश नावलिस्ट है, फीमेल है, जैन ऑस्टन्स बेस्ट नावल्स, जैन ऑस्टन के बेहतरीन नावल, बेयर या स्टैंड कंपैरिजन विद हम पल्ला है, द बेस्ट पोस्ट मॉडर्न नावल्स, मॉडर्न के बाद लिखे जाने वाले, मॉडर्न जदीद दौर के बाद लिखे जाने वाले नावलों के हम पल्ला है, जैन ऑस्टन्स बेस्ट नावल्स, स्टैंड या बियर कंपैरिजन विद द बेस्ट पोस्ट मॉडर्न नावल्स। 17 नंबर देखें idiom, बियर हार्ड या हैवीली या सीवियरली एटसेट्रा ऑन समबॉडी, बियर हार्ड हैवीली सीवियरली एटसेट्रा वगैरह वगैरह ऑन समबॉडी, पर बार होना, पर बोझ होना, पर वजन होना, टू अफ्लिक्ट, टू बी बर्डन ऑन समबॉडी समथिंग। इसका सेंटेंस पहला देखिए, बियर हार्ड हैवीली सीवियरली ऑन समबॉडी, इज मिसडीड्स, उसके बुरे काम, बोर हैवीली ऑन, बार थे, वजन थे, हिज कॉन्शियंस, उसके जमीर पर, हिज मिसडीड्स बोर हैवीली ऑन हिज कॉन्शियंस, उसके गलत काम उसके जमीर पर बोझ थे। नंबर आगे सेकंड देखें, टैक्सेशन टैक्स लगाना, बेयर्स आर स्टैंड्स हैवीली ऑन अस ऑल, हम सब पर टैक्स जो है बोझ होता है। आगे 18 नंबर देखें idiom, बेयर आर हैव सम रेफरेंस सम रिलेशन टू समथिंग, या बेयर हैव नो रिलेशन, ये सम भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, रिलेशन आर रेफरेंस टू समथिंग का ताल्लुक होना, हवाला रखना या ना रखना। पहला सेंटेंस देखें, योर आर्गुमेंट्स, तुम्हारे दलायल, बेयर नो रेफरेंस टू, उनका कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे दलायल का, टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम, मौजूदा मसाइल से, तुम्हारे योर आर्गुमेंट्स
बेयर नो रेफरेंस टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, तुम्हारे दलायल का मौजूदा जमाने के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, दिस फिल्म, ये जो फिल्म है, बेयर्स सम रेफरेंसेस टू द पास्ट इवेंट्स, इस फिल्म में माजी के कुछ वाक्यात के हवाले हैं। आगे नंबर 19 idiom देखें, ग्रीन एंड बेयर इट। ग्रीन का लफ्जी मतलब होता है खिसियानी, हंसी हंसना, यानी जब कुछ भी ना बन पड़े तो अपनी जो खिफत है, अपनी जो बेइज्जती है उसको दबाने के लिए वैसी हंसना, खिसियानी हंसी हंसना। ग्रीन एंड बेयर इट, बादिल नखास्ता किसी चीज को बर्दाश्त करना या झेलना। टू एंड्योर या आर एक्सेप्ट द हार्डशिप्स पेन्स ट्रबल्स डिफिकल्टीज विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत किए बगैर, बादिल नखास्ता बर्दाश्त करना या झेलना। इसका सेंटेंस देखें, आई डू नॉट लाइक दिस प्लेस, मैं इस जगह को पसंद नहीं करता, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, बट आई गेस, लेकिन मेरा ख्याल है, आई हैव नो अदर ऑप्शन, कि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट टू ग्रीन एंड बेयर इट, कि मैं इसको बादिल नखास्ता बर्दाश्त करूं या झेलूं। फिर देखें, आई डू नॉट लाइक दिस प्लेस, मैं ये जगह को पसंद नहीं करता, बट आई गेस, लेकिन मेरा ख्याल है, आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास और कोई दूसरा इख्तियार नहीं है, ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, बट टू ग्रीन एंड बेयर इट, कि इसको मैं चाहे ना चाहे, विली नीली, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे नंबर 20 देखें, 20 नंबर, ब्रिंग समथिंग टू बेयर ऑन या अपॉन, ब्रिंग bring something to bear on or upon, to apply something to somebody or something, इस्तेमाल करना, लागू करना। The government brought full force of law, हकुमत ने कानून की पूरी ताकत लगा दी, to bear on anyone, किसी भी उस शख्स पर कानून को लगाने की पूरी ताकत लगा दी, who criticized her policies, जिसने उसकी पॉलिसीज पर तंकीद की। The government brought full force of law to bear on anyone, किसी भी उस शख्स पर अपनी पूरी ताकत सर्व कर दी, इस्तेमाल कर दी, who criticized her policies, जिसने उसकी पॉलिसियों पर एतराज किया, तंकीद की। आगे 21st सेंटेंस देखें, 21st idiom, be born in on somebody, be born in on somebody, आया होना, आगा होना मुकम्मल तौर पर, to come to be realized by something, आया होना मुकम्मल तौर पर, आगा होना, किसी को पता चल जाना, एहसास होना। इसका सेंटेंस देखें, it was gradually born in on us that, हम पर ये आहिस्ता आहिस्ता आया हुआ के defeat was inevitable, के शिकस्त नागुजीर थी, लाजमी थी। It was gradually born in on us that, हम पर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, step by step, gradually आया हुआ, हमें एहसास हुआ, पता चला, that के defeat was inevitable, के शिकस्त लाजमी थी। यहाँ वाज इसलिए आया है कि यहाँ पे बॉर्न जो है ये थर्ड या सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये करेक्शन ग्रामर के रूल है कि अगर पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे में ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म होती है इस्तेमाल, लेकिन उसका तर्जमा प्रेजेंट में होता है दूसरे हिस्से का। अब इसका जो लास्ट सेंटेंस देखें, 22 idiom है लास्ट, get take one's bearing, get या take one's bearings, अपनी जगह, मकाम, रुतबा या मर्तबा तलाश करना, get or take one's bearings,
बेरिंग्स का मतलब भी मतलब होता है तौर तरीके चाल ढाल, टू फाइंड आउट वंस पोजीशन, अपनी जगह मकाम मर्तबा तलाश कर। इट टुक हिम अ लिटल वाइल इडियम गेट आर टेक वंस बेरिंग्स, अपनी जगह या मकाम या मर्तबा तलाश करना, टू फाइंड आउट वंस पोजीशन, अपनी जगह मकाम मर्तबा तलाश करना। इट टुक हिम, उसको लगे लगा। टेक का इस्तेमाल, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो टेक कहाँ लगता है, टेक का पूरा इस्तेमाल उसके अंदर मैंने दिया हुआ है। मुझे लाहौर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, उसे ये सबक याद करने में 1 घंटा लगता है। इस तरह टेक लगने के बारे में मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लें अगर ये टेक का इस्तेमाल आपने अच्छे से समझना है। तो देखें, इट टुक हिम, उसको अ लिटल वाइल मीडियम है, उसको थोड़ा सा टाइम लगा टू फाइंड हिज बियरिंग्स, अपना मकाम जगह तलाश करने में, इन द न्यू ऑफिस, नए ऑफिस में। थैंक यू।